वेलकम फ्रेंड्स, आई एम अक्षय कुमार पांडे फ्रॉम कणाद केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री क्लासेस विक्रमगंज। आज 11th के सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, मूल कॉन्सेप्ट का, उसके आंकिक प्रश्न। तो कुछ आंकिक प्रश्न की हम आज बात करेंगे। उनमें से एक क्वेश्चन अमोनिया और उसके मोल पर आधारित है, जिसे हम बनाकर देखने का प्रयास करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है, अमोनिया के NH3 अमोनिया के 3.011 गुना 10^22 मोलेक्यूल्स का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो अमोनिया के 3.011 गुना 10^22 मोलेक्यूल्स का द्रव्यमान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, अमोनिया के 3.011 गुना 10^22 मोलेक्यूल्स का द्रव्यमान ज्ञात करें। ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न को बनाने में ये ध्यान देना होगा कि अमोनिया के मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को अमोनिया के मॉलिक्यूल्स से इसके मोलों की संख्या ज्ञात कर लेनी चाहिए। अमोनिया के मोलों की संख्या ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। देखिए, NH3 के मोल, तो ये हो जाएगा NH3 के अणु या अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। यहां से 3.011 10^22 है। एवोगाड्रो नंबर हम जानते हैं, 6.022 गुना 10^23 होता है। इस अनुसार डिवाइड करेंगे 1/2, 0.5 और 0.5, और ये 10^22 और ये 23 है, तो 10^-1 हो जाएगा, मतलब 0.05 मोल हो जाएगा। जो अमोनिया के मोलों की संख्या आया वो 0.05 मोल आया। अब देखेंगे, NH3 का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो नाइट्रोजन का 14, 3 हाइड्रोजन का 3। तो NH3 अमोनिया का आणविक द्रव्यमान नाइट्रोजन से 14, 3 हाइड्रोजन से 3, 17 होता है, 17 ग्राम प्रति मोल या 17 AMU। तो NH3 का मोलिकुलर मास 17 ग्राम प्रति मोल, चूंकि एक मोल NH3 बराबर है 17 ग्राम NH3 के, इसलिए हम लोग अभी निकाले हैं 0.05 मोल। तो ये 17 गुना 0.05 हो जाएगा, और इस तरह 0.85 ग्राम NH3 प्राप्त होगा। 0.85 ग्राम NH3 होगा इसका द्रव्यमान, जब अमोनिया के मोलेक्यूल्स की संख्या 3.011 गुना 10^22 थी। कि सल्फर के एक एटम का मास निकालना है, कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ सल्फर। तो कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ सल्फर क्वेश्चन बना रहे हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ सिंगल एटम
ऑफ सल्फर। तो सल्फर का एटॉमिक मास हम लोगों को पता है, एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास लिख सकते हैं, मोलर मास ऑफ सल्फर ये 32 ग्राम पर मोल, सिंस सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू 10^23 एटम्स ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 32 ग्राम। जब सल्फर का इतना एटम्स होगा 6.022 इंटू 10^23 एटम्स जब होगा सल्फर का, तो वो 32 ग्राम होगा, एक मोल के बराबर अर्थात 32 ग्राम होगा। इसलिए हम लोगों को इसके एक एटम का निकालना है, तो 32 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10^23। यहाँ से ये जो 10^-23 हो जाएगा और 32 है तो 5.3 के अप्रोक्स, 5.3 10^-23। और आपसे पूछा गया है मास, तो ये ग्राम। सल्फर का एक एटम अगर लिया जाए तो उसका जो मास होगा वो 5.3 इंटू 10^-23 ग्राम आएगा। आगे एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज के लिए, वो ये, फ्रॉम 200 mg ऑफ CO2 10^21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट। CO2 का 200 mg शुरू में आपको दिया गया है, 200 मिलीग्राम दिया गया है, और उसमें से 10^21 मॉलिक्यूल्स निकाल लिया गया, तो आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट, CO2 का कितना मोल आपके पास बचा रह गया। सिंस और देयरफॉर करके सबसे सिंपल तरीका से बना लेते हैं, फॉर्मूला का यूज ना करके एकदम सिंपलेस्ट वे में बनाते हैं। आप जानते हैं कि CO2 का मोलिकुलर मास, अगर CO2 का मोलिकुलर मास निकाले तो कार्बन का या मोलर मास, तो कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 × 2 = 32, यानी CO2 का मोलिकुलर मास जो आणविक द्रव्यमान है वो 12 और 2 ऑक्सीजन का 32, 44 amu होता है, 44 ग्राम प्रति मोल। तो एक मोल अगर CO2 होगा तो उसका जो मास होगा वो 44 ग्राम होगा, और एक मोल मतलब 6.022 × 10^23 अणु CO2 के होंगे। तो हम लोग इसे इस तरह से बना सकते हैं, सिंस 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम। सिंपल सा, 44 ग्राम होगा तो एक मोल होगा, और एक मोल होगा तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर उनके मॉलिक्यूल्स की संख्या होगी। देयरफॉर 1 पर अगर निकालें तो ये 44 डिवाइडेड बाय 6.022 10^23, और हम लोग 10^21 मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, तो उसका मास निकाल कर देखते हैं। 10^21 जो मॉलिक्यूल्स हम लोग निकाले हैं उसका मास अगर निकाल कर देखें तो 44 इंटू 10^21 डिवाइडेड बाय 6.022 10^23। इसे कैलकुलेट करने पर जो हम लोगों का वैल्यू, एक छोटा वैल्यू आएगा वो 0.073 ग्राम। जो मोल पर का कैलकुलेशन होता है वो हम लोग ग्राम पर आधारित
कैलकुलेशन करते हैं, मोल का जितना भी कैलकुलेशन है वो ग्राम पर आधारित होता है। तो सबसे पहले यहाँ जो मिलीग्राम दिया गया है 200 मिलीग्राम, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो पता चलेगा कि कितना अमाउंट जो है CO2 का वो बचा रह गया। CO2 का 0.073 ग्राम निकल गया 10^21 मॉलिक्यूल्स के रूप में। अब इसका कितना अमाउंट बचा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग 200 मिलीग्राम CO2 को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो आएगा ये 200 मिलीग्राम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 ग्राम हो जाएगा, 0.2 ग्राम। तो अमाउंट ऑफ CO2 लेफ्ट, कितना CO2 का अमाउंट बचा है, 0.2, और इसमें से माइनस कर देते हैं हम लोग 0.073 को, तो यह आ जाएगा 0.1 अमाउंट ऑफ CO2 लेफ्ट। तो 0.2 माइनस 0.073, तो ये आएगा आपका 0.0127 ग्राम। CO2 का जो अमाउंट बचा वो 0.127 ग्राम हो गया। इतना अमाउंट जो है CO2 का हम लोगों के पास बचा रह गया है। अब इस 0.127 ग्राम को हम लोग मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट, CO2 का कितना मोल बचा हुआ है वो निकल जाए। तो CO2 का कितना मोल बचा हुआ है वो निकालने के लिए हम लोगों को इस बचे हुए अमाउंट का नंबर ऑफ मोल निकाल देना है, जो बहुत ही आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है, अर्थात नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट, ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ CO2 इन ग्राम, या फिर रिमेनिंग बचा हुआ अमाउंट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ CO2 और उसमें मोलिकुलर मास से अगर हम लोग भाग दे दें तो नंबर ऑफ मोल्स जो बचा हुआ है वो निकल जाएगा। तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ CO2 0.127 ग्राम, और जो मोलिकुलर मास है CO2 का वो 44 ग्राम पर मोल होता है। तो इस तरह या हम इस कैलकुलेशन के द्वारा CO2 का कितना मोल बचा हुआ है वो निकाल सकते हैं। इस कैलकुलेशन के द्वारा CO2 का कितना मोल बचा हुआ है इसकी हम लोग गणना कर सकते हैं। तो ये करीब करीब 2.8 × 10⁻³ और मोल आएगा, ग्राम ग्राम यूनिट जो है कटा, तो इतना मोल आएगा। तो इस तरह ये मोल कॉन्सेप्ट का, यानी केमिस्ट्री के 11th के सिलेबस का जो पहला चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाए। फिर आगे भी मैं आपसे कुछ और न्यूमेरिकल के बारे में बातचीत करूंगा। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रहने देते हैं। इसे आप समझिए, बनाने का प्रयास कीजिए, और किसी तरह का समस्या हो तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। आगे और भी न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।